उन पर्वों पर मेरे मोदियों से महंगे नौजवान दोस्तों और किसान भाइयों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, मैं परमार साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है 17 तारीख को, और मैं हिंदुस्तान में बैठे हुए किसी भी नागरिक को बताना चाहता हूं, सभी पत्रकारों को बताना चाहता हूं, अगर किसी को मन में ये अंदेशा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं बन रही, मैं उन सब लोगों को न्योता देना चाहता हूं कि आप उज्जैन आ जाओ, तरान आ जाओ, यहां पर आकर देखो माहौल कांग्रेस का है कि नहीं है। मध्य प्रदेश की बहादुर जनता ने मन बना लिया, 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करी हो, आपका बेटा भतीजा बनकर, आपका परिवार का सदस्य बनकर, चुनौतीपूर्ण समय में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना का भयंकर प्रकोप था, उस समय अपनी जान की परवाह करे बिना गांव गांव जाकर आपकी सेवा करी, ऐसे विधायक हमारे भाई परमार साहब को आपको भारी बहुमत देकर वोट देकर जिताना है। दोस्तों, मैं राजस्थान से आया हूं, वहां पर भी चुनाव है, और राजस्थान में पिछले 30 साल से हमेशा 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का एक प्रकरण चल रहा है, लेकिन इस बार वहां पर माहौल बदला है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप सब लोगों ने पिछले 18-20 सालों में यहां पर भाजपा की सरकार को देखा, और उससे भी ज्यादा केंद्र की सरकार को देखा, पूरे बहुमत की 2 सरकार दिल्ली में बनी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं यहां पर मौजूद किसान साथियों से पूछना चाहता हूं, आपकी आमदनी दुगनी हो गई क्या किसी की? विदेशों में पड़ा काला धन वापस हिंदुस्तान आ जाएगा, 9.5 साल हो गए, कोई काला धन वापस आया देश में? महंगाई को कम करने का वादा भाजपा ने किया था, क्या महंगाई कम हुई है मध्य प्रदेश में? अब मैं बताता हूं आपको, गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार, और देश में मजाक बन गया कि पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया है इस देश में। आप बाजार में जाओ, चावल, चीनी, फल फूल, साग, चाय पत्ती कुछ भी खरीद लो, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी ऐतिहासिक हो गई है, किसानों की जीवन पर जो संकट का बादल इन्होंने मंडराने की कोशिश की थी, वो 3 काले कानून, 1.5 साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरना दिया, तब जाके भाजपा ने वो 3 काले कानून वापस किए। देश में फौज की जो भर्ती होती है उसको बदलकर अग्निवीर नाम की योजना लेकर आ गए, जहां 19-20 साल का हमारा नौजवान फौज में भर्ती होगा, 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद वो घर चला जाएगा। इन लोगों ने देश में ऐसी नीतियां बनाई हैं कि चंद लोगों को फायदा हो रहा है। इस देश की जो संपत्ति है, जो आम भारतीय की संपत्ति, हमारे नागरिकों की, चाहे वो हवाई अड्डे हो, रेलवे लाइन हो, कोयले की खदान हो, बिजली घर हो, सब औने पौने दाम में बेचकर चंद उद्योगपतियों के जेबों को भरने का काम किया है। आज देश में ये हालात पैदा हो गए, जो खाई अमीर गरीब की वो इतनी बड़ी हो गई है कि जो अमीर था वो इतना पैसे वाला हो गया, उसके पास अपनी दौलत गिनने का समय नहीं है, और जो गरीब है उसको आज 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही। जो हमारा किसान 3-5 बीघे में खेती करता है, ट्रैक्टर चलाता है, हल चलाता है, जमीन का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, देश का पेट पालता है, उसकी सुनने वाला इस देश में कोई बचा नहीं। दिल्ली में बैठे लोग, भोपाल में बैठे लोग बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन क्या दाम हो गया है खाद का, बीज का, बिजली का, पानी का, कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसान परेशान है, नौजवान असमंजस में है, देश के हालात विकट बने हुए हैं, लेकिन आप सबको मौका मिलेगा,
17 तारीख को देश जानना चाहता है कि मध्य प्रदेश की जनता, उज्जैन जिले की जनता और तराना विधानसभा क्षेत्र की जनता, आप लोग जिस करवट बैठ जाओगे सत्ता उस करवट बैठेगी, ये आप जानते हो। मैं गाड़ी में परमार साहब से बात कर रहा था, थोड़े भावुक हो गए। जो आदमी मन से काम करता है उसके अंदर जज्बात जगे होते हैं, और जो पाखंड की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, धर्म और मजहब की राजनीति करते हैं, जाति और गोत्र की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ भाषण देते हैं, काम करने से उनका कोई सरोकार नहीं। पिछली बार 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी, मुझे मध्य प्रदेश में कई जगह प्रचार करने का मौका मिला, मुझे तराना भी आना था, किसी कारणवश मैं यहां नहीं आ सका, लेकिन आप लोगों ने पिछली बार तराना से कांग्रेस पार्टी को जिताया। 5000 वोट कितने से? 2200 वोट से परमार साहब जीत कर गए थे 2018 में। उस टाइम मैं आ नहीं सका था, अब 2023 आ गई है, आज मैं यहां से आपके वोट मांगने जा रहा हूं, वो 2200 नहीं 22000 वोट से यहां से कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए। और महेश जी गाड़ी में मुझे बता रहे थे कि सचिन जी ऐसा भाषण देना, वैसा भाषण देना, इसका नाम ले देना, ये बोल देना, वो बोल देना। मैंने कहा मैं ऐसा भाषण देके जाऊंगा, यहां पर भाजपा की हो जाएगी गुल और हमारे होंगे वोट फुल। अब समय आ गया, भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांध के यहां से विदाई कर दो, और आपको मैं आश्वासित करता हूं उज्जैन और तराना का विकास और समृद्धि के लिए महेश जी काम करेंगे, हम भी उनका पूरा साथ देंगे और हम सब मिलकर आपका विकास कराएंगे। अभी चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मुझे और आगे भी जाना है, लेकिन मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, जो उत्साह, जो प्यार, जो जोश आप लोगों ने आज दिखाया है, इस सभा की महक पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी और कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक बहुमत का सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और देखो किस्मत का कोई पता नहीं, आप आज विधायक चुनकर भेज रहे हो, ना जाने भोपाल में क्या जिम्मेदारी मिल जाए, कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, हम सब लोग 36 बिरादरी के लोग, हर जाति मजहब के लोग, सारी बातें भूलकर, ये हाथ का निशान हम सबके पहचान है, इस पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताकर भेजो। और देखो जब 3 तारीख को मतगणना हो रही होगी, मैं जयपुर में होऊंगा, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, हम सब देख रहे होंगे, लेकिन साथियों ये जोश, ये माहौल, ये साफा, ये फूल माला, ये तालियां, ये नारे, ये तभी काम आएंगे जब हम बटन को दबा दें। वोट की गिनती बटन दबाने से है, अगर बटन नहीं दबा, हम अति आत्मविश्वास में आ गए, हम आलस में आ गए, हम परिवार के कहीं मई के ससुराल में चले गए, तो वोट देने से रह जाएंगे। एक एक वोट की कीमत है, और आप जानते हो वो जो मशीन है, उस मशीन पे आप जब परमार साहब का बटन दबाओगे तो वो टी करके बोलती है, मशीन बोलती है कि नहीं बोलती। अब सुनो, 17 तारीख को मैं राजस्थान में होऊंगा और मैं देख रहा हूंगा, आप लोग इतनी जोर से बटन दबाना, वो टी की आवाज मुझे जयपुर में सुनाई पड़ जाए, वोट पड़ गई है। जाने से पहले एक बार पुनः मुझे आश्वस्त कर दो कि 22000 वोट से यहां से परमार जी को जिताकर भेजोगे, दोनों हाथ खड़े कर मेरे साथ जोरदार नारा देना, कांग्रेस पार्टी। अरे भाइयों आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, जोर से बोलना है, कांग्रेस पार्टी। और ये आखिरी तीसरा नारा, ये आवाज भोपाल तक जानी चाहिए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हम सबको नगर में चलना है, कि इतिहास कराना, नगर में बताना है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। सभी साथी चल तैयार है चलने के लिए, आप सब लोग, हम नगर में जनसंपर्क करेंगे। मेरा 1 घंटे का निवेदन है सभी परिवार के लोगों से, हम सब लोग साथ में चलेंगे नगर में। सभी साथियों से निवेदन है।
आभार के लिए निहाल सिंह गुजर की सामंत करता हूँ। निहाल सिंह गुजर माकड़ोन ब्लॉक के अध्यक्ष। निहाल सिंह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ोन की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो सारे हमारे ब्लॉक के पूरे तराना तहसील से जितने पधारे उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस।